नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको स्लीप पैरालिसिस ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब कि स्लीप पैरालिसिस की परेशानी को किस तरह से हल किया जाता है, किन किन स्ट्रेटजीज का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है इम्प्रूव स्लीप हाइजीन। देखिए, जो स्लीप पैरालिसिस की परेशानी होती है वो स्लीपिंग डिसऑर्डर है। जब भी हमारी आरईएम स्लीप डिस्टर्ब होती है, ऐसे में स्लीप पैरालिसिस की समस्या ज़्यादा होती है। जब भी हम हमारा स्लीप हाइजीन अच्छा रखते हैं तो ऐसे केसेस में हम अच्छी नींद ले पाते हैं, गुणवत्ता वाली नींद ले पाते हैं। बस करना ये है कि सबसे पहले तो हमें हमारा स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। जब भी हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर उसे देखते हैं तो जो ब्लू लाइट का एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होता है। मेलाटोनिन हमारी नींद को कंट्रोल करने के लिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी रखने के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। जब भी हम ब्लू लाइट का एक्सपोजर कम कर देते हैं, स्क्रीन टाइम कम कर देते हैं, तो ऐसे में मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, अच्छे से होता है, तो हमारी नींद की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे बेड का जो एनवायरनमेंट होता है, हमारे बेडरूम का एनवायरनमेंट होता है, वो सूटेबल होना चाहिए। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। खास करके जब भी हम सोने आए तो उससे पहले हम हमारा जो कुछ भी काम है वो कंप्लीट कर ले, ताकि हम हमारे बेड को ऑफिस डेस्क ना बनाए। तो इस प्रकार से हम हमारे स्लीप हाइजीन को अच्छा रखकर स्लीप की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा स्लीप स्केड्यूल होता है, मतलब कि जो स्लीप वेक साइकिल होती है, वो भी मेंटेन रखें। मतलब कि सोने का समय, जागने का समय निश्चित रहना चाहिए, ताकि प्रॉपर हम नींद ले पाए, गुणवत्ता वाली नींद ले पाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा स्लीप हाइजीन इंप्रूव होगा और स्लीप पैरालिसिस की परेशानी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। दूसरी स्ट्रेटजी है मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चिंता करता है, स्ट्रेस लेता है, तो ऐसे में स्लीप डिस्टर्ब होती है, खास करके आरईएम स्लीप। तो ऐसे में स्लीप एपिसोड, स्लीप पैरालिसिस के जो भी एपिसोड्स होते हैं, होने की संभावना दूसरों के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है। तो हम स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं, CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, ताकि जो हमारी नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो कम हो जाए। स्ट्रेस एक बार मैनेज हो जाता है, एंजाइटी मैनेज हो जाती है, तो ऐसे में हमारी स्लीप की गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है स्लीप पोजीशन एडजस्टमेंट। देखिए, ज़्यादातर केसेस में स्लीप पैरालिसिस की जो समस्या होती है, ऐसे लोगों में होती है जो सुपाइन पोजीशन यानी कि पीठ के बल सोते हैं। क्योंकि पीठ के बल जब भी हम सोते हैं, खास करके आरईएम स्लीप में, तो ऐसे में स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर हम हमारी स्लीप एडजस्टमेंट, स्लीप पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, जैसे कि हम राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड सोते हैं या फिर पेट के बल सोते हैं, तो ऐसी टेक्निक को यूज़ करके भी हम स्लीप पैरालिसिस की परेशानी को कम कर सकते हैं। चौथी स्ट्रेटजी है ट्रीट अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर्स। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई स्लीप डिसऑर्डर है, जैसे कि नेक्रोलेप्सी की समस्या है, मतलब कि दिन में बहुत ही ज़्यादा समय नींद आती है, डे टाइम स्लीपिनेस जिसे हम कहते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जब भी रात को सोते हैं तो बार बार नींद जाग जाती है, जो नज़ल पैसेज होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से हम अच्छी प्रकार से सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नींद बिगड़ती है, हमारी नींद खुल जाती है। अगर किसी व्यक्ति को RLS यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, तो ऐसे केसेस में भी स्लीप पैरालिसिस की समस्या हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर है, तो उसे ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक बार ये स्लीप डिसऑर्डर ट्रीट हो जाते हैं, तो स्लीप पैरालिसिस की जो भी परेशानी होती है वो भी कम हो जाती है। पाँचवीं स्ट्रेटजी है लाइफस्टाइल चेंजेस। हम हमारी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव लाकर भी स्लीप पैरालिसिस की समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए आप मॉडरेट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या फिर ऐसी कोई स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रह पाओ। इसके अलावा जो अल्कोहल है, जो निकोटीन है, जो कैफीन है, उसके जो ये सब स्टिम्युलेंट होते हैं, उसका सेवन भी कम करना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है, तो उसे सबसे पहले तो ट्राई करनी है कि अल्कोहल छोड़ ही दे, वरना ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो कम कर दे। खास करके सोने के समय तो नहीं लेना है, सोने के 4 से 6 घंटे पहले आप ले सकते हो, उससे पहले नहीं लेना है। लेकिन हो सके तो अल्कोहल को आप क्विट कर दीजिए। इसके साथ साथ क्विट स्मोकिंग अगर आप करते हो, या फिर कोई भी तरीके से आप टोबैको का सेवन करते हो, तो आपकी नींद की गुणवत्ता बिगड़ सकती है। तो ऐसे में
आपको उसे क्विट करना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, फिर ऐसा कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीते हो जिसमें कैफीन है, तो उसे भी आपको धीरे धीरे करके बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हो, पॉजिटिव चेंज लाते हो, अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से रखते हो, तो ऐसे केसेस में स्लीप पैरालिसिस होने की संभावना दूसरों के मुकाबले कम होती जाएगी। नंबर 6 है मेडिकेशंस, यानी कि दवाई का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, जो पहले हमने बात की, जो भी स्ट्रेटेजीज 5 स्ट्रेटेजीज की बात की, अगर उसमें आपको राहत नहीं मिल रही है, उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ना चाहते हुए भी मेडिकेशंस का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें एंजाइटी को दूर करने के लिए एंजोलाइटिक्स या फिर डिप्रेशन को दूर करने के लिए एंटी डिप्रेशन दवाई देनी पड़ती है, ताकि आपके जो अननेसेसरी थॉट्स है जो आ रहे हैं आपके दिमाग में, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो कम हो जाए, और जिसकी वजह से आपकी स्लीप बिगड़ रही है वो ना बिगड़े। ऐसे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मेडिकेशंस भी एक स्ट्रेटेजी हो जाती है, लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। 7वीं स्ट्रेटेजी है कीप अ स्लीप जर्नल। देखिए, बहुत ही कम लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको क्या नोट करना है कि आपका जो स्लीपिंग टाइम होता है, जो स्केड्यूल होता है, जो आपकी स्लीप पैटर्न होती है, अगर आपको स्लीप पैरालिसिस की समस्या है, तो जो एपिसोड्स आते हैं उसे आपको नोट डाउन करना है, अगर याद हो तो। ऐसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन जो कुछ भी आपको याद आ रहा है आपकी स्लीप के रिलेटेड, वो डेली टू डेली आपको नोट करना है। 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। साथ ही साथ ऐसे ट्रिगर्स को नोट डाउन करना है, अगर वह ट्रिगर्स, अगर वह स्टिम्यूलेंट्स अगर आप लेते हो, या फिर किसी भी ऐसे ट्रिगर के साथ रूबरू होते हो जिसकी वजह से आपकी नींद बिगड़ रही है, तो उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना, उसे नोट करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो एक स्लीप जर्नल को मेंटेन करके भी आप स्लीप पैरालिसिस को धीरे धीरे करके कम कर सकते हो। 8वीं स्ट्रेटेजी है डेवलप अ प्री स्लीप रूटीन। प्री स्लीप रूटीन मतलब कि नींद जो आपको आ रही है, जो आप सोने जा रहे हो, उससे पहले कम से कम 30 मिनट से लेकर 60 मिनट का एक ऐसा रूटीन सेट करना, एक ऐसा टाइम सेट करना जिसे हम कहते हैं वाइंड डाउन टाइम, जिसमें आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जो आपके दिमाग को शांत करे। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ सकते हो, आप म्यूज़िक आप सुन सकते हो, आप आपके स्लीपिंग पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ताकि आपका दिमाग शांत हो जाए और आपको अच्छी नींद आए। तो इस प्रकार की कोई प्री स्लीप रूटीन को फॉलो करके भी आप स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स को कम कर सकते हो। 9वीं स्ट्रेटेजी है एजुकेट योर सेल्फ एंड अदर्स। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये स्ट्रेटेजी है कि कई सारे लोग स्लीप पैरालिसिस की स्थिति को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रूप से लेते हैं, खास करके भूत प्रेत चुड़ैल जिन इत्यादि स्वरूप में भी ये लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को एजुकेट करना है कि अगर स्लीप पैरालिसिस के कोई भी एपिसोड्स आते हैं, तो वो महज कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, तो डरना नहीं है। और अगर जकड़न जैसे महसूस हो रही है, आपको ऐसा फील होता है कि आपको किसी ने जकड़ कर रखा है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बात की थी कि हमारी जो REM स्लीप होती है, उसमें हम ज़्यादातर केसेस में सपने देख रहे होते हैं, तो कुदरत ने ही ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि अगर हम कोई ख़राब सपना देख रहे हैं, अगर सपने में हम ऐसा देख रहे हैं कि हमें कोई मारने आ रहा है, तो ऐसे में हम स्वबचाव के लिए, यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हाथ पर हिलाते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो अपने आप को भी हम चोटिल कर सकते हैं, और चोट हमारे स्लीपिंग पार्टनर को भी लग सकती है। तो ऐसा कुदरत ने डिसाइड किया है, नेचर ने डिसाइड किया है कि जब भी हम सपने देख रहे होते हैं, तो ऐसे में टेम्पररी रूप से, अस्थाई रूप से हम अपने हाथ पे नहीं हिला पाते हैं। एक्चुअल में स्लीप पैरालिसिस जैसा कुछ नहीं होता। तो एक तो यह गलत फहमी कि अगर स्लीप पैरालिसिस में पैरालिसिस का अटैक आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही साथ जो जकड़न जैसा महसूस होता है, वो नेचर ने डिसाइड किया है, ना कि कोई भूत प्रेत चुड़ैल या जिन ने आपको पकड़ कर रखा है। तो सबसे पहले तो अपने आप को आपको एजुकेट करना है, कोई भी जादू टोना नहीं है। स्लीप पैरालिसिस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेचुरल प्रोसेस है। अपने आप को एजुकेट करने के बाद आपको दूसरों को एजुकेट करना है, खास करके आपके स्लीपिंग पार्टनर को, क्योंकि वो साक्षी होते हैं आपके स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स के लिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये भूत प्रेत द्वारा किया गया है, फिर चुड़ैल या फिर जिन के द्वारा किया गया है, अगर पैरालिसिस का अटैक आया, तो ऐसे में वो भी पैनिक हो गए, आपको भी पैनिक करवाएंगे और स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो अपने आप को एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, दूसरों को, खास करके अपने स्लीपिंग पार्टनर को स्लीप पैरालिसिस के बारे में आपको एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। नंबर 10 है इमरजेंसी स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग एपिसोड। अगर स्लीप पैरालिसिस का एपिसोड आ गया है,
आप महसूस कर पा रहे हो कि स्लीप पैरालिसिस का एपिसोड चल रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले जो आपके स्मॉल मसल्स होते हैं, जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हाथ के मसल्स, पैरों के उंगलियों के मसल्स, हाथ की उंगलियों के मसल्स, उसको हिलाने की ट्राई करना है। उसके बाद रिस्ट को हिलाने की ट्राई करना है। धीरे धीरे करके आपको दूसरी जो भी जॉइंट्स होते हैं हाथ पैर है, उसे हिलाने की ट्राई करना है। और उसके बाद आप सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करें कि ये जो स्लीप पैरालिसिस का एपिसोड होता है वो महज कुछ सेकंड्स के लिए होता है, अपने आप चला जाएगा, आपको कोई भी हानि नहीं करेगा। तो इस बात का अगर ध्यान होगा तो आप रिलैक्स रहेंगे, पैनिक नहीं करना है और ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि स्लीप पैरालिसिस हो गया, आपकी सांसें जोरों से चलने लगी, धड़कनें जोरों से चलने लगी, तो पैनिक अटैक आने की संभावना रहती है। तो ऐसे में अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, डीप ब्रीथ करना है, रिलैक्स रहना है और ऐसा सोचना है। ऐसा ही होता है कि जो पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस का जो भी एपिसोड होता है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स के लिए होता है। तो ये आपके मन में रखना है, जिससे क्या होगा कि आप पैनिक नहीं होगे, सिचुएशन नहीं बिगड़ेगी। तो अगर पैरालिसिस का एपिसोड आता है तो आप इमरजेंसी स्ट्रेटेजीज का भी उपयोग कर सकते हो। जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ कि कैसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से बात करनी काफ़ी जरूरी होती है, व्हेन टू सीक मेडिकल हेल्प। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, मतलब कि हर दूसरे दिन ऐसा हो रहा है, दो दिन में एक बार हो रहा है, हफ्ते में चार से पाँच बार हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर से बात करनी काफ़ी जरूरी होती है। स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड के साथ साथ अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी सांसें फूल जाती है, जोरों जोरों से आप सांस लेने लगते हो, या फिर आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, पसीना बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। इसके अलावा दिन के समय अगर बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, लेथर्जी फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। यदि 10 ऐसी स्ट्रेटजीज स्लीप पैरालिसिस को ट्रीट करने के लिए, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।